बहरहाल इनकी एक दूसरी दलील ये है कहते हैं कि ये जो तुम लोग कहते हो ना कि नई नई चीज़ ईजाद नहीं कर सकते तो ये तुम ये ए सी कहाँ से आ गया है ये प्लेन कहाँ से आ गया ये पंखा कहाँ से आ गया ये कैमरा कहाँ से आ गया ये सब नई नई चीज़ें हैं इसको क्यों अपनाते हो तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबीरस ने खुद दीनी उमूर और दुनियावी उमूर में फ़र्क करके रखा है एक हदीस है मुसदामत की जिल्द इकतालीस सफा चार सौ एक अल्लाह नबी फरमाते इदाकान सैम अमर दुनिया कुम फा नकुमें कि जब तुम्हारे दुनिया का कोई मामला हो तो तुम आजाद हो जैसा चाहो करो दुनियावी मामला में बाय डिफॉल्ट हमारे लिए सारी चीज़ें हलाल है हम जो चाहें करें और आगे है वह इदाकाना सैम मिन अमरी दीन कुम लेकिन अगर तुम्हारे दीन का कोई मामला हो तो मुझसे रुजू करना ज़रूरी है मेरी परमिशन ज़रूरी है ये फ़र्क हम नहीं कर रहे हैं यह नबी ने किया है दुनियावी मामला में और दीनी मामला में फ़र्क क्या है दीनी मामला में बाई डिफॉल्ट सारी चीजें हराम है आप वही कर सकते हैं जिसका सबूत मिले जैसे नमाज है अब कोई कहे कि मगरब की नमाज तीन कोई कहे हम चार पढ़ लेते हैं सबूत चाहिए उसके लिए कोई कहे तीन की जगह दो पढ़ लेते हैं, नहीं कर सकते ना कम ना ज्यादा क्योंकि ये इबादत है इबादत में असल हु है बाई डिफॉल्ट सब कुछ हराम है सिर्फ उतना करना है जितना साबित है और दुनियावी मामला में बाई डिफॉल्ट सब हलाल है कौन सा जानवर खा सकते हैं सब खा सकते हैं सवाए उन जानवरों के जिनकी लिस्ट दी गई है कि हराम है सुअर हराम है फला हराम है फला हराम है उसको छोड़कर बाकी आप जो चाहे खा सकते हैं तो आप ए बनाओ प्लेन बनाओ जो करना चाहो कर सकते हो अगर कुरानो हदीस में उसको हराम नहीं करार दिया गया तो बाई डिफॉल्ट जायज है और इबादत में बाई डिफॉल्ट सब मना है उतना ही करना है जितना सबूत हो और दुनियावी मामला में सब जायज है उतना रुकना है जिससे रोका गया ये फर्क शरीयत ने किया है तो जब हम बिदात कहते हैं मतलब दीन के मामले में कोई नई चीज नहीं लाना है दीनी मामला में और आप दुनिया की मिसाल ला के रख देते हो अच्छा कुछ लोग ये जब फ़र्क पेश किया जाता है तो इसमें भी सवाल उठाते हैं कहते चलो ठीक है ये पंखा प्लेन हवाई जहाज़ ये सब दुनियावी चीज़ है लेकिन मस्जिद तो दीन चीज़ है ये पहले जो है पक्की मस्जिदें नहीं होती थी मस्जिद के पिलर नहीं होते थे मस्जिद में कालीन नहीं होती थी मस्जिद में सारा मामला नहीं होता था तो ये तो दीन की चीज़ है मेरे भाइयों मस्जिद भी ऐन इबादत नहीं है मस्जिद में आके जो एक्टिविटी है ना वो इबादत है ये तो एक जरिया है एक जगह है जहां हम आके इबादत करते हैं ये फीन से इबादत नहीं है मस्जिद फी से इबादत नहीं है अल्लाह के नबी सल वसलम ने हमारी शरीत में कहा गया कि इबादत में नई चीज नहीं लाना मस्जिद फीने से इबादत नहीं है इबादत तो नमाज है जो हम मस्जिद में आके पढ़ते हैं नमाज में कोई चेंजिंग नहीं है आप देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें बहुत सारी थी मस्जिद हराम मक्का में मस्जिद है मदीना में मस्जिद है मस्जिद कौबा बहुत सारी मस्जिदें ना नबी के जमाने में लेकिन क्या सारी मस्जिदें एक जैसी हैं यानी मक्का की जो मस्जिद थी सेम मदीना की मस्जिद वैसी थी उसके सारे पिलर उसका लोकेशन उसका एरिया सब एक जैसा था नहीं लेकिन नमाज जो उन तमाम मसाज में होती थी नमाज एक जैसी थी नमाज की रखते हुए सेम उसका रुकू सेम उसका सजदा सेम उसको पढ़ने का तरीका सेम लेकिन जहाँ पे नमाज पढ़ी आ रही है वो एक जैसा नहीं है कहीं पिलर कम है कहीं पिलर ज़्यादा है कहीं छत अलग है कहीं दीवार अलग है और कभी मस्जिद नहीं नसीब हुई तो कहीं भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ लिए कभी सवारी पर नमाज़ पढ़ लिए कभी समंदर में नमाज़ पढ़ लिए नमाज़ हर जगह हो रही है लेकिन ये नमाज की जगह तो ये जो जगह है ना ये असल दीन नहीं है असल इबादत थी नफ से ही मस्जिद अब एक मस्जिद आपने बना दिया ए सी चालू कर दिया घर पर बैठे हो क्या नमाज हो रही है वहाँ पे क्या इबादत हो रही है अरे कोई बंदा जाएगा वहां नमाज पढ़ेगा तब इबादत होगी क्या मस्जिद बना के छोड़ दो इबादत से घर पे आके बैठो इबादत हो रही है कोई कहेगा इबादत है वो वो दीन है भाई एक किसी आप एक जजीरे में जाओ जहाँ कोई नहीं रहता है एक मस्जिद बना के घर पे आके बैठो बोलो वहां कोई इबादत कर रहा है ये इबादत यह ये है कि आदमी जाके वहाँ कुछ पढ़े ये इबादत है तो मस्जिद बनाना ये इबादत है, ये इबादत की एक जगह है यहाँ कोई आके नमाज पढ़ेगा तब इबादत होगी सिर्फ मस्जिद बना देने से इबादत नहीं होगी इबादत की जगह ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबक साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन جزاك الله خيرا